अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो जी, आज हम बनाने जा रहे हैं बेकरी स्टाइल ड्राई फ्रूट केक, जो कि बहुत ही मज़े का बनेगा। इसके लिए जो मैंने इंग्रेडिएंट्स ले लिए हैं, चीनी ले ली है जी मैंने 1 कप के इक्वल, और इसी तरह बटर मैंने लिया है 200 ग्राम, मैदा ले लिया है 1.5 कप, ये वाला कप है, ये 1 कप एंड हाफ कप, ठीक। और उसके बाद 5 अदद मैंने अंडे लिए हैं, सफ़ेदियाँ अलग कर ली हैं और जर्दियाँ अलग रख दी हैं। बेकिंग पाउडर मैंने लिया है 1 टेबल स्पून, मिक्स ड्राई फ्रूट पाउडर मैंने ले लिया है 2 टेबल स्पून, ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो ऐड करें अदरवाइज स्किप कर दें। इसी तरह वनीला एसेंस मैंने ले लिया है 1 टीस्पून। तो चलिए जी, जल्दी से बढ़ते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। सबसे पहले जी हम मैदा और बेकिंग पाउडर को छान लेंगे। जी अब हम इसमें ऐड करेंगे ड्राई फ्रूट पाउडर और इसको ड्राई इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह से कर लेंगे मिक्स, और इन्हें कर देंगे एक साइड पे। पहले जी बाउल में हम ऐड करेंगे बटर, सबसे पहले जी हम बटर को कर लेंगे बीट। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 कप चीनी, 1/2 कप बाद में ऐड करेंगे। चीनी जो बाकी थी वो भी मैंने बाद में ऐड कर दी और इसे हमने कर लिया है अच्छी तरह से बीट। अब हम इसमें ऐड करेंगे एग वाइट्स, अंडे जो कि मैंने 5 अदद लिए, अब इसी तरह हम एग वाइट्स सारी इकट्ठी इसमें डाल देंगे और इनको भी जल्दी से कर लेंगे बीट। मैं इधर वीडियो इसलिए कम बना रही हूँ ताकि शोर से आप लोग डिस्टर्ब ना हो। सफ़ेदियाँ ऐड करने के बाद जो साइड पे जाके बटर लगा, हम उसको भी इस तरह से साफ़ करेंगे और इसके बाद फिर दोबारा बीट करेंगे। हम बैटर में ऐड करेंगे 5 जर्दियाँ, एक जर्दी थोड़ी सी डैमेज हो गई है, लेकिन चलें कोई बात नहीं, सब चलता है। इसे भी अच्छी तरह से साफ कर लेंगे। बैटर में हम ऐड करेंगे वनीला एसेंस और फिर इसको 1-2 मिनट के लिए बीट करेंगे, और इसके बाद फिर इसमें ऐड करेंगे जी हम ड्राई इंग्रेडिएंट्स। तो जी अब हम इसमें ऐड करेंगे ड्राई इंग्रेडिएंट्स और इन्हें इस तरह से मिक्स करेंगे। इधर हमें अब बीटर की कोई ज़रूरत नहीं, अगर आप चाहें तो हैंड विस्कर यूज़ कर सकते हैं। अच्छा सा रेडी हो गया है, ये देखेंगे इसकी कंसिस्टेंसी है, और मोल्ड को मैंने पहले ही आयल लगा के और इसमें पार्चमेंट पेपर शिफ्ट कर दिया था। हम इसे शिफ्ट करेंगे अपने मोल्ड में। तो जी अब हम इसे बैटर को कर लेंगे टैप टैप। तो मैंने प्री हीट कर लिया है 170 सेल्सियस पे। तो चलिए जी हम अपने बैटर को शिफ्ट करते हैं जल्दी से ओवन में। तो जी इसे हम 25 से 30 मिनट्स के लिए बेक करेंगे, और 170, तो जी 35 मिनट्स हो चुके हैं। 30 मिनट्स के बाद मैंने इसे चेक किया था, ये प्रॉपर रेडी नहीं था, लेकिन अब ये अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल रेडी हो गया है। तो जी अब हम वेट करेंगे इसका ठंडा होने का और फिर हम इसका करेंगे नेक्स्ट प्रोसेस। केक हमारा हो चुका है ठंडा, अब हम इसे शिफ्ट करेंगे प्लेट में। बटर पेपर को भी रिमूव कर देंगे। अब हम इसकी साइड कर लेंगे चेंज इस तरह से।
अब हम इसके लिए तैयार करेंगे ग्लेस। ग्लेस के लिए ले लेंगे जी हम हाफ कप जैम और इसके साथ ही हाफ कप पानी लेंगे और इन दोनों को मिला के हम पकाएंगे। और फिर गार्निश करने के लिए हम ले लेंगे पिस्ता और बादाम, आप चाहें अखरोट काजू कुछ भी ले सकते हैं। पहले पैन में हम ऐड करेंगे पानी और अब इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे जैम और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसे हम मीडियम टू हाई फ्लेम पे 4 से 5 मिनट पकाएंगे। जी तो जनाब हमारा ग्लेस आलमोस्ट रेडी हो चुका है, अभी भी फिर भी हम इसे 1 मिनट के लिए और पकाएंगे। अगर आप चाहें आप जैम ना यूज़ करना चाहें तो आप चीनी 1 कप और हाफ़ कप आप उसमें ऐड करेंगे पानी और उसे जिस तरह से हम हलवा बनाने के लिए शीरा रेडी करते हैं वो रेडी कर लें, वो भी बहुत ज़बरदस्त रहता है इसका ग्लेस बनाने के लिए। रेडी हो चुका है हमारा ग्लेस, बहुत ज़बरदस्त किस्म का ग्लेस हम ऐड करेंगे अपने कप में जिसमें से हमने जैम निकाला था और इसे भी ठंडा होने देंगे और कप में ऐड कर देंगे हम पिस्ता और बादाम। और इन्हें भी कर लेंगे अच्छी तरह से मिक्स। तो जी ग्लेस हमारा ठंडा हो चुका है, अब हम इसे इसी तरह पूरे केक पे स्प्रेड कर देंगे। आप चाहें तो कोई भी जैम का फ्लेवर ले सकते हैं, मेरी बेटी को एप्पल पसंद है तो मैंने एप्पल यूज़ किया, आप पाइनएप्पल भी ले सकते हैं, मैंगो फ्लेवर ले सकते हैं और अगर मिक्स फ्रूट जैम लें तो वो और भी मज़ा करेगा। इसी तरह हम हर तरफ इसको फैला देंगे अच्छी तरह से, साइड्स में भी। इस पे ऐड करेंगे इस तरह से पिस्ता और बादाम केक हमारा रेडी हो चुका है, अब हम इसे कट करेंगे और मैं अभी आपको दिखाती हूँ जी इसकी फ़ाइनल लुक किस कदर सॉफ्ट और किस कदर ज़बरदस्त बना है। तो जी ये देखें किस कदर सॉफ्ट और किस कदर तो जी अब इसे ट्राई करेंगे रेहान और फिर मुझे बताएंगे ये कैसा बना है। तो अब रेहान आपको बताएंगे कि कैसा बना है हमारा केक। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी और ये घर का बना हुआ नहीं लग रहा, बिल्कुल बाजार का लग रहा है। जी तो हमारे कैमरामैन ने अपने केक को कंटिन्यू किया वीडियो दरमियान में छोड़ के, तो चलें जी इधर से मैं अब चाहूँगी आपसे इजाज़त। रेसिपी पसंद आए तो लाइक और शेयर करें, चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब करें। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखें, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।